Assalamualaikum and a very good evening and welcome to Time Out with Ehsan Khan. Janab, हम लोग हाजिर हैं इस साल के बेहतरीन शो के साथ. तो जनाब, जिसकी टीम बेहतरीन, सेट बेहतरीन, काम बेहतरीन, तो नेचुरली सेलिब्रिटीज भी बेहतरीन ही होंगे. और जब सब कुछ बेहतरीन हो तो नेचुरली ऑब्वियसली हमारे पास बैंड भी है, बेहतरीन कराची बॉयज. एक चीज तो भूल गया, होस्ट बेहतरीन, होपफुली यस. जनाब, उम्मीद करता हूं आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरे और बहुत बहुत आप लोग जो है वो खुश रहे हमेशा. कहते हैं कि लिव इन द मोमेंट, यानी कि जो वक्त मौजूद है उसमें रहिए, उसको एंजॉय कीजिए, उसको चेरिश कीजिए. फ्यूचर का भी जरूर सोचें, पास्ट का भी जरूर सोचें, लेकिन पास्ट और फ्यूचर का सोचते सोचते इस मोमेंट को मिस मत कर दीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट. और इस मोमेंट पे हम आपके लिए लाए हैं एक कमाल का शो जिसका नाम है टाइम आउट विद एहसन खान. जनाब, आज के शो का जब आप फीडबैक मुझे देंगे तो हम चूज करेंगे उन लोगों को जो मेरे साथ जाएंगे टर्की. यस, आपकी टिकट्स, आपका रहने का इंतजाम सब हम करेंगे, लेकिन यू हैव टू गिव अस द फीडबैक एंड देन वी विल सिलेक्ट समबडी हु विल ट्रेवल टू टर्की विद मी. तो जनाब, हमने बात की बेहतरीन शो की और बेहतरीन लोगों की, बेहतरीन चैनल एक्सप्रेस की, तो हम बुलाएंगे हमारे इंडस्ट्री के बेहतरीन नाम. और वो नाम है जिनको आपने शायद किसी शो में एक साथ इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा, लेकिन ये सस्पेंस ओपन होगा इस छोटी सी ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Now welcome back, Time Out with Ehsan Khan. आप देख रहे हैं once again a very happy new year 2021. I just hope and wish आप सबके लिए जबरदस्त होता है. हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे फेवरेट, मेरे बहुत प्यारे पाकिस्तान के फेवरेट. पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तान शोबिस के जो लोग पसंद करते हैं, ड्रामे, फिल्म, शोज जो लोग देखते हैं, उनके फेवरेट. दिस इज माई फर्स्ट शो and it's going to be one of the best show because we have the best people in the show. Sabse pehle main ek bahut hi zabardast, super talented shakhs yahan bulaunga jo ki ek brilliant actor hai aur brilliant host hai. Matlab whatever he does wo kamal karta hai, koi aisi jagah nahi hai jo usse dur rahi ho, chahe wo commercials ho, chahe wo films ho, chahe wo television ho, chahe wo hosting ho. He is awesome and he's a lovely person. You know, that's the best part, ki he is a lovely friend. Please welcome the one and only Fahad Mustafa. तशरीफ रखिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैन. मेरा पहला शो, साल का फर्स्ट शो और टाइम आउट का पहला शो, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड दैट यू आर ऑन द शो. बिल्कुल बिल्कुल, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, तुम रिलैक्स होकर करो तुम शो. बहुत अच्छा शो कर रहे हो तुम, सेट तुमने बहुत अच्छा लगाया. बहुत अच्छे लग रहे हो ऐसे. यार इज्जत दे रहे हो भाई को, समझ नहीं आ रही यार. हम भी इज्जत दे रहे हैं यार, हमने क्या. बिल्कुल सही है. अच्छा, जो अगले मेरे गेस्ट हैं वो तो मतलब उनको हम, मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई, ऑब्वियसली लाइक सभी लोग बहुत अच्छा काम करें, लेकिन दिस गाय इज लाइक रियल सुपरस्टार. हम क्या फारिग, हम जारी हैं. नहीं, आप तो हैं, लेकिन वो मतलब वो बड़े हैं. वो बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, मतलब सबसे बड़े हैं. ये अच्छी बात. अब आप सोचे कि अगर फहद मुस्तफा से मैं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं, मतलब कंपटीशन. अर्तुगरुल बुला रहे हो क्या? नहीं, एक और गेस्ट प्लीज. एक और है. हाँ, नाम. फिर कोई, फिर हाँ, फिर एक और है. कौन आ रहा है? मुझे लगता है तुम इमरान खान को बुला रहे हो. एक और नाम, तीसरा, फहद तीसरा नाम. मेरे ख्याल से तुम आमिर लियाकत को बुला रहे हो. यार ये जान के नाम नहीं ले रहा, इसको मालूम है कौन है. फादर, एक और नाम, एक और. यार देखो, मैं तो एक ही आदमी को मानता हूँ. हाँ. इस मुल्क का सुपरस्टार. हाँ. वो है शान शाहिद. वो भी नहीं आ रहा.
अभी पिछले इंटरव्यू में कुछ और बोला, कौन आ रहा है? पिछला मेरा बहुत बुरा इंटरव्यू था, बहुत गालियां खाई मैंने। अच्छा कौन आ रहा है? The one and only Humayun Sayyed. Please welcome Humayun Sayyed. कैसे? अच्छा मुझसे गले नहीं मिला। नहीं, नहीं। ये क्या बात है? उनका जो दिल करेगा वो लगा देंगे ना। प्लीज बैठिए। हेलो सर। हेलो, हम तो गले मिलेंगे। हम यार ये क्या मुझसे गले नहीं मिले और आपस में दोनों मिलकर प्रोड्यूसर है ना? रोज प्रोड्यूसर क्या क्या है? कुछ नहीं कर रहे हम, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। मेरा पहला शो इस साल का, इस चैनल का पहला शो मेरा, एंड यू बोथ आर हियर लाइक फहद एंड हुमायूं सईद। व्हाट एल्स वुड आई वांट मैन? कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए तारों पहले। नहीं, मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं बदतमीजी करूंगा, इज्जत देने के बुलाया है। यार ये क्या, ये लगेगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, पिछले इंटरव्यू में जिन्होंने किए थे शक्लों से वो भी ऐसे नहीं लग रहे थे, लेकिन कर जाते लोग। नहीं मेरे शो मेरे यार हाथ होगी, मैंने क्या बदतमीजी आपसे पहले कभी की है? नहीं की। नहीं, कितनी मोहब्बत इज्जत प्यार, लेकिन आजकल भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं, वायरल के चक्कर में कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं कभी प्यार मोहब्बत। सेट कैसा लगा है हमारे से? ये बताइए सेट कैसा है? बहुत अच्छा यार, बहुत खर्चा कर दिया तुम लोगों ने, ख्याल रखना। खर्चा कर दिया। अच्छा चले, शो शो का नाम कैसा लगा? क्या नाम है शो? नाम खुदा हाफिज बजा रहा हूँ। शो का नाम है टाइम आउट विद एहसन खान। बहुत अच्छा। टाइम आउट इज अ गुड नेम बाय द वे, वेरी गुड नेम। We all need some time out. Although हमने पूरा साल time out गुजारा है, लेकिन फिर तुमने 2021 पूरा साल के एक दिन ये घर नहीं बैठा। हर वीक मैं कहता था यार माशाल्लाह, which is brilliant, यानी गेम शो चलता चला जा रहा है, कोरोना में भी नहीं आप घर बैठे। मतलब लेकिन चाह रहे थे कि घर बैठे यार, मैं क्यों चाहूंगा? नहीं मतलब एहतियात से, एहतियात से ऑडियंस से। यस यस यस, ठीक है, ऐसे ही। और आपने यहाँ किया पूरा साल, मतलब इतना बड़ा प्ले के बाद पाकिस्तान एक साथ किया था हमने, जीतो पाकिस्तान शेयर कर लिया हम लोगों ने। यस दैट वाज वंडरफुल, दैट वाज वंडरफुल। फहद जैसे टाइम आउट विद एहसन खान इसमें है, तो भाई ये जीतो पाकिस्तान विद फहद मुस्तफा क्यों नहीं है? क्योंकि एरा वाले डरते हैं कि नाम आ गया तो फिर घबरा जाएंगे। नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जरूरत जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी उस टाइम पे। क्या मतलब है इस बात तो हम नजर नहीं आ रहे? नहीं वो नजर आ रहा, हम नजर नहीं आएंगे। शो जो है वो शो जो है ही फहद मुस्तफा से। नहीं नहीं, शुरू शुरू में जब हुआ था ना शुरू जीतो पाकिस्तान, तो मैं खुद भी अपना नाम लगाना नहीं चाह रहा था उसके साथ, क्योंकि गालियां बहुत पड़ रही थी मुझे। वो तो बाद में फिर इट पिक्ड अप यू नो, तो तब तक बहुत देर। आप नाम लगा रहे तब तक बहुत। अच्छा अगर नाम वैसे हो फहद का नाम हो, चलो ना हो तो क्या नाम होगा? चाइना का पाकिस्तान, चाइना का क्या, चाइना का आमिर लियाकत ले ले लिया ऐसे ही था। Lele with Fahd Mustafa. What kind of name is this man? That's a good name. What kind of name is this? Lele. Yani kya line hai? Lele, Lele. Ye kya hai? It's a song that I came up with. Aur bada interesting tha. Kaun sa? Lele, Lele. Acha. Kya gana tha? Sare milke bolo Lele. Wo deal ke upar hota tha. Tum bhi bolo Lele, Lele. नहीं ये तुम्हारे शो में, हमारी सेहत को देखे क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारे शो में नहीं हो सकता ये सिर्फ उसमें। हाँ ऐसे ही उसमें डील देता है ना ये। तुम क्या दे रहे हो? ले ले। हाँ मैं दे रहा हूँ। क्या दे रहे हो तुम? मैं बताता हूँ। अच्छा चलो देखते हैं। टर्की टर्की लेके जा रहा हूँ ना लोगों को अपने साथ। अपने साथ? हाँ अब नहीं मैं अकेला नहीं होगा, और भी स्टार्स होंगे। हम टर्की जाएंगे और जो लोग हमें फीडबैक। स्टार कौन से? हम तो तीन बैठे हुए हैं, और कौन है? और आएंगे यार अभी, और बहुत आएंगे फहद। ओके अभी आएंगे और हम लोगों को टर्की लेके जाएंगे। पीपल हु विल फॉलो अस एंड टैग और हमें बताएंगे और सवालात करेंगे, तो उनको टर्की का ट्रिप मिलेगा यार। सवालात से ज्यादा कब ले जा रहे हो तुम टर्की? मार्च में। ये मैं 8वीं या 10वीं एपिसोड में बताऊंगा कि कौन जीता है और टर्की की टिकट। अच्छा अच्छा एक बात है। अच्छा सर एक बात, शादी आपने भी जल्दी कर ली, फहद ने भी जल्दी कर ली, तो डज इट हेल्प बीइंग एन एक्टर एंड यू नो मैरिड एक्टर, या कोई फर्क पड़ता है? एक तो आपको एक्टिंग आ जाती है, ये फायदा होता है। ऑफ कोर्स ना भाई, हमने तो कोई कोर्स भी नहीं किया हुआ था। हाँ, सही। you know, सारी ऐसी क्या? सीखे हैं। क्या नहीं किया हुआ था? एक्सपीरियंस के साथ एक्टिंग थोड़ी 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 बेहतर। नहीं वैसे जैसे जैसे सिंगर की आवाज में दर्द होना चाहिए ऐसी, एक्टर का पेन तब निकलता है, बाहर तब निकलता है शादी के बाद, यू फील इट। चलो इनका, इन्होंने बोल दिया कि मतलब एक्टिंग ज्यादा आ गई, आपके साथ भी यही हुआ? मुझे इनफैक्ट जब मैं शादी कर रहा था तो वी वर डूइंग अ प्ले टुगेदर, इट वाज हिज प्रोडक्शन, सात आसमानों के नीचे हम कर रहे थे, उवैस खान वाला जो था, सात आसमानों के नीचे। उस वक्त एक कारा फिल्म फेस्टिवल होता था, उसके लिए हम एक फिल्म बना रहे थे। ओके, सो आई वाज गेटिंग मैरिड, आई आस्क्ड हिम कि यार आई एम गेटिंग मैरिड, और ही जस्ट गेव मी अ लुक जस्ट लाइक दिस, और उसके बाद कुछ कहा नहीं उन्होंने। मैंने कुछ तो कहा होगा।
लेकिन मेरे ख्याल से जो आप सवाल कर रहे थे कि शादी करने से आपको मैरिड अगर एक्टर है तो उससे फायदा है कि नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत फायदा है। आप बहुत सीरियस हो जाते हैं अपने काम में। अच्छा मुझे ये बताएं, प्रोड्यूसर भी यंग एज में बन गए दोनों, तो प्रोडक्शन का ख्याल हमायूं सईद कैसे प्रोडक्शन का ख्याल आया? तो ये बार-बार यंग एज ये सब ना करो। 15 साल तो क्या मैं बोलूं, 15 साल पहले प्रोड्यूसर बने तब यंग ही थे ना, 15 नहीं 24 साल हो गए 24 साल पहले तो क्या है? अच्छा यंग एज थी ना 24 साल पहले। यार मजाक कर रहा हूं यार, मैं समझ रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं है, करें तो 24 साल पहले पहला प्ले प्रोड्यूस किया तो कैसे ख्याल आया कि प्ले प्रोड्यूस करना? कोई ले नहीं रहा ऐसा ही था? नहीं ऐसा नहीं था। अच्छा पहले बोल रहे थे ऐसा था, लेकिन फिर नहीं ऐसा नहीं था। मुझे प्रोड्यूसर ही बनना था। हाँ, इसलिए मैंने सबसे पहले एक प्ले बनाया था एज अ प्रोड्यूसर जिसका नाम था इकरार। ठीक है, वो बहुत बुरा बना था। मैंने जिस जो प्रोड्यूसर थी तस्नीम असलम, मैंने जब उनको दिखाया तो उन्होंने बोला प्ले तो बहुत बुरा है लेकिन तुम एक्टिंग कर सकते हो। अरे ओके थोड़ी बहुत, इट्स अ गुड कमांड। जो भी उन्होंने मुझे एक 24 साल पहले पीटीवी का एक प्ले था ये जहां, उसमें लिया था, सिंगल प्ले था 25 उसमें लिया था। ठीक है, और आई स्टिल रिमेंबर अबाउट हुमायूं भाई, मेरे अब्बा प्रोडक्शन करते थे एक जमाने में, उनको शौक था प्रोडक्शन करने का। सो हम जब प्रोडक्शन करते थे तो वी एंड अप कास्टिंग द लेफ्ट ओवर्स, आई वोंट नेम देम बिकॉज ही वाज सो बिजी। 7 दिन ड्रामे चलते थे पीटीवी पे और सातों दिन हुमायूं भाई का ड्रामा चलता था, तो ये एक कमाल बात थी जो मुझे आज भी याद है। यस, और आज भी ऐसा ही है माशाल्लाह। सो व्हाई डिड यू स्टार्ट प्रोडक्शन? वाज इट जस्ट लाइक अ फैमिली थिंग कि अब्बा भी कर रहे हैं और मैं भी कर लूं? नो, आई थॉट मे बी कि मैं सारी जिंदगी एक्टिंग शायद ना कर पाऊं, तो एटलीस्ट एक बैकअप आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व ना हो। सो बट लेटर आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, तो मजा आने लगा। फिर ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू फॉलो हुमायूं भाई अलॉट बिकॉज इन्होंने बहुत पहले शुरू कर दी थी और सारा कुछ था, तो एक अथॉरिटी बड़ी अलग किस्म की आ जाती है, आपको मजा आता है। फिर आप एक ऐसी चीज कर रहे होते हैं जिसमें आप नहीं भी हैं तो भी चलेगा, यू नो। तो अभी जैसे आजकल लोग मेरी प्रोडक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट माय एक्टिंग, तो एटलीस्ट कुछ तो बात हो रही है ना आपके बारे में। यू आर लाइक पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्शन बेसिकली, तो माशाल्लाह ये अच्छी। हां मतलब सोशल मीडिया, यू डोंट लाइक सोशल मीडिया, आई हैव हर्ड, बट इट या यू हेट इट या, बट फिर भी सोशल मीडिया पे हर वक्त इन रहता है, ये क्या चक्कर? मेरा मैनेजर रहता है, पैसे कमाते हैं मुझसे। ओह, ये कौन है मैनेजर भाई, उसकी गेम पूछनी पड़ेगी क्या हो रहा है। अच्छा क्या मतलब सोशल मीडिया से क्यों, व्हाई डू यू डोंट लाइक सोशल मीडिया? यार देयर इज लॉट टू लाइक बट देयर इज मोर टू डिसलाइक एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन से एनीथिंग दे वांट टू, कुछ भी लिख दिया किसी ने भी, तो मुझे ऐसा लगता है गलत नैरेटिव बना दिया। यस, यू शुड बी एन अचीवर बिफोर यू हैव अ राइट टू से समथिंग, यू नो, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। पहले कभी हमारे इंटरव्यूज आते थे आज से 24 भी, वाकई जब इंटरव्यू आता था उसकी एक अहमियत होती थी। yes. एक रिव्यू आता था उसकी एक अहमियत होती थी। अच्छा अब ये है कि आप जितने चाहो मैं अपने बारे में रिव्यू लिखवा लूं, जितने चाहो मैं अपने बारे में इंटरव्यू करवा लूं, तस्वीरें छपवा लूं, मसला सब कुछ आपके हाथ में है। सो एनीबॉडी कैन बी एनीवेयर, कहीं भी लगवा दिया, यानी वो डिफरेंस खत्म हो गया कि एक से तकलीफ नहीं है, मतलब मुझे इसको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसकी जो वैल्यू है वो मजा वो खत्म हो गया। सो डू यू थिंक कि अब सोशल मीडिया पे पैसे इन्वेस्ट करना जरूरी हो गया, नए लोगों के लिए भी, पुराने लोगों के लिए भी, उससे एक रेस में लग गए सब लोग कि वी हैव टू इन्वेस्ट मनी फॉर द रिव्यूज, फॉर द लाइकिंग्स? यार अब तरीका यही है, अब आप क्या करेंगे, आप यू कैन नॉट डू, करना पड़ेगा, रन अवे फ्रॉम इट। सो आई थिंक मे बी दिस इज नॉट द ओनली वे बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज। तो बात ये, हम लोग वो लोग हैं जो वक्त के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, तो अगर ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही सही। हाँ बिल्कुल, तो किसको पैसे चाहिए, हम लगवाते हैं रिव्यू। हाँ आप बताएं। वाह यार क्या बात है, ये तो बड़ी जबरदस्त था, वैसे इसको पता ही नहीं है, नहीं, तो एक्सप्रेशन दे रहा है, रोने से बेहतर है कि आप, इसको पता ही नहीं है, वाह मुझे क्या पता यार, मैं पहली तो हमारी तो कोई चीज पेड होती नहीं कभी यार। अरे नहीं, तुम ये बता सकते हो कि हां मुझे ये सब पता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ऐसा बात भाई, आप सही कह रहे हैं हुमायूं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, तो बोल क्यों नहीं रहे? नहीं मुझे पता ही नहीं है, ऐसे बोल रहे जैसे तुम एक पता नहीं एलियन हो, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, मार्स से आए, इस तरह क्यों जवाब दे रहे हो?
नहीं क्योंकि मुझे मालूम यार मैं होस्ट कर रहा हूं एक मिनट नहीं जवाब एक सेकंड ना बनाओ जवाब आप लोगों को दे रहे मुझे नहीं दे रहे जवाब यार जवाब हमारे साथ होस्ट ना बनाओ इधर-उधर क्या देख रहे हो इधर-उधर क्या देख रहे हो मैं कैमरे को ढूंढ के देख रहा हूं कैमरे को देख रहा हूं अच्छा यार तुमने ऑडियंस को अपने साथ मिला दोनों कर ले शो मैं जा रहा हूं भाई घर मुझे माफ कर दे यार अब यार हम नहीं बोलेंगे अच्छा एक चीज नहीं नहीं अच्छा दोनों भी बोलोगे मैं क्या करूंगा यार ठीक है अकेला अच्छा फहद जो इतने प्लेयर्स अभी आजकल आ रहे हैं जी और काफी उनका एक वो ऑब्वियसली आई हैव सीन जलन बाय द वे अ वेरी गुड प्ले आई हैव सीन नंद हैव यू या दैट्स आल्सो गुड प्ले इट्स अ गुड प्ले यस इट इज क्यों व्हाई नॉट इट्स अ गुड प्ले इट्स वर्किंग सो व्हाट डू यू बिफोर प्रोड्यूसिंग अ प्ले कोई कंटेंट और डिसाइड करता है कि मेरी प्रोडक्शन में ये कंटेंट हो या खुद ही या रैंडम देखो इट्स नॉट वन पर्सन इट्स अ बिट ऑफ एवरीवन तो आप ये नहीं कह सकते कि देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई डोंट लाइक बट आई प्रोड्यूस देम बिकॉज़ मैं और चैनल और हमारी सारी टीम्स मिलके उस पे अग्री करते हैं सही ऐसे तुम्हारे शो में 10 सेगमेंट तुम्हें अच्छे लगते होंगे एक कोई तुम्हें नहीं भी अच्छा लगता होगा बट आप करेंगे वो अलग है ठीक है चार लोग और आपको कह रहे हैं कि यार ये अच्छा लगेगा तो ऐसे ही होता है अगर अब ये नहीं हो सकता कि यार सिर्फ जो मुझे अच्छा लगे या हर प्रोजेक्ट में मैं मैसेज ही दे रहा हूँ या हर प्रोजेक्ट में मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ इट कैन गो आइदर वेज इनके ड्रामा कभी एंटरटेनिंग होगा कभी मैसेज बेस्ड होगा कभी किसी और तरह का ये नहीं हो सकता कि इट विल बी बोरिंग हमें 10 प्लेस बनाने हैं साल के हाँ, 10 से भी ज्यादा शायद 10 में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ वो बनाऊं जो मेरी पसंद का या सब कुछ वो बनाऊं जो तुम्हारी पसंद का या तुम्हारी पसंद का एग्जैक्टली तो आप यानी पब्लिक का भी तो ज़हन में रखते हैं ना कि लोगों को क्या पसंद है ये भी तो होता है ना पब्लिक का तो ज्यादातर रखते हैं पब्लिक को ये पसंद आती हैं चीजें ये मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं आपको भी बताऊँगा मैं परसों एक फिल्म देख रहा था 1958 की फिल्म थी देवानंद की फिल्म थी वो पेइंग गेस्ट उसका नाम था अब मैंने ऐसी लगाई उसके गाने बड़े मशहूर है बहुत अच्छे अच्छे गाने उसके तो मैंने वो जिसका भी फोन है बंद कर दो तो मैंने वो उसके गाने उसकी एग्जैक्ट स्टोरी उसकी भी जलन की स्टोरी थी अब ये 58 में भी कहानियां मोरलेस जो रिपीट How you present them, उस जमाने में डिबेट हुई होगी आई डोंट नो नहीं हुई होगी आज भी वही और उसी तरह का हो रहा है तो आई डोंट थिंक कि अब क्योंकि हर किसी को एवेन्यूज मिल गए हैं अपनी बात को कहने के तो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट यू नो एवरीबॉडी जस्ट से समथिंग सही आपको प्ले मतलब प्ले भी हिट फिल्म भी हिट माशाल्लाह व्हिच यू आर अ ग्रेट स्टार एंड व्हाटएवर यू डू इज वंडरफुल एंड वी ऑल फॉलो इट एंड वी लव इट प्ले की बनाने से पहले या फिल्म बनाने से पहले कुछ जहन में होता है कि यार ये स्टोरी जो है ये वाली लोगों को पसंद आएगी ऐसा होता है You go through the script या आपकी भी टीम है पूरी जो नहीं नहीं टीम तो हर जगह है वहाँ भी टीम है हमारे यहाँ भी टीम है और जितने हमारी टैग टीम बनते हैं देखें साल के दो तीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद के होते हैं या यू नो मेरे साथ अगर नदीम हैं और सनम है इरफान मलिक है ये लोग हमारी टीम है इनकी अलग टीम है तो हम इवन जे जे या अली इमरान जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं उनको भी बताते हैं कि भाई मुझे लगता है कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है ये करो तो कभी वो बोलता है नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो कभी मैं बोलता हूँ नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूँ यही बनेगा ऐसा भी होता है और कभी वो कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसा बनाओ वैसा भी कर लेते हैं ऐसे ही है। तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं कभी वो सही साबित होते हैं कभी हम सही साबित होते हैं तो ये ज़्यादातर हम होते हैं ज़्यादातर हाँ हिट पे हिट है यार इमेज कॉन्शियस ऑफ ऑल इमेज बिल्डिंग के लिए नॉट रियली नहीं बिल्कुल भी नहीं कुछ नहीं किया इसीलिए मैंने फिर मुझे शुरू में जब ब्रांड्स करता था ना तो बड़ा लोगों ने कॉन्शियस किया था कुछ डायरेक्टर्स ने कि यार ये ब्रांड करोगे तो फिर ये कैसे करोगे सो आई डिड एवरीथिंग एवरी ब्रांड व्हाटएवर केम योर वे एवरी ब्रांड बिकॉज़ आई थिंक इट्स एन ऑनर कि आपको कोई ब्रांड अपने साथ एसोसिएट करता है इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है अगर मैं उसमें से भी चूज करना शुरू हो जाऊँ नॉट दैट कि मैं खुदा ना खास्ता कोई बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट किस्म की चीजें करने चला जाऊं बिलो द बेल्ट तो कुछ है ही नहीं वैसे मतलब जैसे कि आप यू नो व्हाट आई मीन मतीरा वाले चीजों के बारे में ये मैंने कुछ नहीं बोला नहीं वो भी अच्छे से हो सकते हैं वो भी अच्छे से हो सकते हैं अगर आप तरीके से उनको करें तो व्हाई नॉट नहीं उसका क्या तरीका होगा यार सोचते हैं अभी ब्रेक में सोचते हैं हम विल कम अप विद समथिंग या आई नो प्रोड्यूस कर सकते हो खुद हां प्रोडक्शन का खुद प्रोडक्शन क्यों नहीं वो प्रोडक्शन रोकने के ही तो हैं सारे आप क्या बात कर रहे हैं अच्छा सुना हुमायूं सईद को डांस का बहुत शौक था एक जमाने में अभी नहीं नहीं अभी भी है लेकिन करना नहीं होता नहीं मैं ये नहीं मैं बिल्कुल ऐसे शोज पे जाके करने का नहीं कोई नहीं नागन डांस टाइप मतलब हमने कोई वीडियो शूट देखी है ये कौन सी वीडियो है मेरी नागन हां तो जब डांस करते हैं तो बंदा ऐसे से भी कर सकता है कभी व्हाई नॉट शोज वाज में ऐसे से भी कर सकता है हां जाहिर है बट यू लाइक परफॉर्मिंग मुझे हाँ बहुत शौक है मजा आता है परफॉर्मेंस मजा आता है
Do you like dancing and performing? मुझे अच्छे तब से लगना शुरू हुए जब से मेरे अपने गाने मेरे पास हुए फिल्म के. उससे पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी और एक्टर की मैं क्यों कर रहा हूँ ये. तो मुझे लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए कभी एक दो दफा किया वही किया लेकिन वो भी कुछ नया नहीं इतना कुछ है नहीं कितना कुछ है नहीं कि आप कर सके. वी डोंट हैव मच. तो आप फिर मैंने एक ट्रिब्यूट किया था वो मैंने आतिफ को आलमगीर को अली जफर को और एक कोई और सिंगर थे उनके मैंने गाने खुद गाए भी थे दुबई में बहुत अच्छा था तो वो उस तरह का किया था. फिर जब अपने गाने आपके पास आ जाते हैं ना तो फिर उसका एक अलग मजा होता है. अलग मजा प्रमोशन के लिए भी करनी पड़ती है फिर पैसे अच्छे होते हैं. पैसे असल बात जो है पैसे भी अच्छे वैसे भी अच्छे होते हैं. अच्छा मुझे ये बताएं आप किस एक्टर से इंस्पायर्ड हैं जो आपको लगता हो कि हमारी इस लीग में या आपकी लीग में कोई बहुत क्रेजी एक्टर रह चुका हो या है. हु डू यू फील लुक्स रियली गुड ऑन स्क्रीन पाकिस्तान में. पाकिस्तान में मैं चला जाता हूँ फिर मेरा नाम ले लेना. नहीं नहीं बताइए तो बिल्कुल सामने की बात है फहद मुस्तफा शान फवाद ये तीनों ये यू थिंक दे आर लाइक they look very good on screen. सही है. आपको फहद मुस्तफा और दूसरा भी फहद मुस्तफा तीसरा भी नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है शान जो है ना वो एक हम में से किसी में वो बात नहीं है जो उनके अंदर है. ठीक है वो एक कंप्लीट पैकेज मुझे लगते हैं. ही डजंट वर्क टू मच. आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन कि वो आई डोंट नो वो क्यों नहीं करते बट इस सिनेमा को ऐसे लोगों की जरूरत शुरू में होनी चाहिए थी और हम लोग तो बहुत बाद में ये हमने शुरू किया. उन्होंने काफी काम किया है सिनेमा पे. बहुत ज्यादा काम किया है बेशुमार फिल्में यार न्यू एज फिल्म और एक पोटेंशियल है मेरे ख्याल से जो उनमें पोटेंशियल है वो सही तरह नजर नहीं नजर आया. यस सो व्हाई हैवंट यू प्रोड्यूस समथिंग और यू प्रोड्यूस समथिंग टू कास्ट हिम. हमारी अपनी तो पहले बन जाए पूरी. ये बात सही है वैसे मतलब जिस तरह हम ड्रामे बनाते हैं ना साल के 8-10 फिल्म उस तरह फिल्म बनानी चाहिए. उस तरह फिल्में बननी चाहिए थी जो कि नहीं बन रही तो कोरोना की वजह से वैसे ही मतलब एटलीस्ट 2-3 अब साल की एक बनाते हैं तो अपना ही शौक पूरा हो जाता है उसके बाद दूसरी बनती नहीं तीसरी बनती नहीं. तो मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं फवाद को लूं हमजा को लूं तुम्हें लूं. तो हम सबको तो आपने लिया तो ऐसा को क्यों नहीं लिया आपने. एसन को हर कितने ड्रामों में ऑफर किए. इस दिन हमारी एक मीटिंग हुई टाइम ही नहीं होता. फिल्म की बात हो रही है आप ड्रामा ना करें आप. वही फिल्म का तो वही है ना अपनी तो फिल्म के लिए भी आ चुका है फोन. फिल्म के लिए भी कर चुके हैं मुझे ऑफर. हाँ क्या क्या बोला फोन. नदीम भाई ने फोन किया हमारी सहित ने मुझे फोन किया. आई रिमेम्बर के बोला कि हम फिल कर रहे हैं देख लेना. नहीं 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 इसको पंजाब नहीं जाऊंगी मैं. हाँ यस सी कौन सा रोल बस जो भी रोल अपना रोल. अरे छोड़ो. हाँ हाँ इसकी मूछें नहीं थी. अच्छा भाई मुझसे तो बाहर निकले. एक मिनट मुझे मेरी जात छोड़ो भाई. एक मिनट यार एक मिनट मेरी जात छोड़ो. मुझे ये बताएं एक स्टंट किया था वो जवानी फिर नहीं आने में भागने वाला रोड पे कोई. यू आर रनिंग ऑन द रोड जब नदीम बेग कोई वाक्य है मुझे बताएं क्या हुआ था. यू आर रनिंग ऑन द रोड ऑपोजिट डायरेक्शन भागना था भाई. उसमें यह था कि गाड़ियां जो है जो गाड़ियां सामने से आ रही हैं और मैं ऐसे मेरे हाथ बंधे हुए और मैं यूं भाग रहा हूं. ऑपोजिट साइड तो जो गाड़ियां थी वो सब उन्होंने ज़ाहिर हायर की हुई थी. तो वो क्या करते थे कि मेरी तरफ गाड़ी जोर से लाते थे तेजी में लाते थे और फिर एकदम से गाड़ी मोड़ते थे. तो आप ऐसे खड़े भी हो जाओ ना और आपके सामने से गाड़ी आ रही है तो आपकी जान निकल जाएगी. ठीक है ना. तो मैंने उनको मैं उसमें जरा सा डर रहा था. जब मैं भागते हुए जाऊंगा बड़ी हिम्मत से आगे जाके मेरी जान निकल जाए तो जरा सा मैं बिल्कुल उस वक्त जब वो मेरे करीब आने लगती थी तो आप तो कॉन्शियस हो रहा था. तो उसके ऊपर नदीम ऐसे बोल रहा था कि इतना हैरान हो रहा था कि भाई तुम डर क्यों रहे हो. तो मैंने कहा भाई मैं डर इसलिए रहा हूँ कि गाड़ी करीब आ रही है अगर उससे गलती हो जाए. आपको लगता है कि जैसे कि वो सीधा ही चढ़ा दे आपको. ऑब्वियसली मैं यूं आऊं आपकी तरफ तो आप भी डरेंगे ना. मेरे आने से डरेंगे तो गाड़ी आ रही है सामने. बिल्कुल सही है. ये तो तुम्हें किसने बताया वैसे. बस हमें पता है देख लें. फहद ने भी एक स्टंट उसमें किया उल्टा लटक के कुछ क्या हुआ था. हाँ स्टंट तो किया किसी को पता ही नहीं चला. मजे की बात ये थी. क्या मतलब है एक जो करने में बड़ी बात लगती है लोग देख रहे हैं तो गुजर गया बस. भाई बॉडी डबल आया उसको लटकाया हुआ था उल्टा और ये लोग सारे मतलब जो हमारा क्रू था सारा वो नीचे थे. इट वाज 15th और 17th फ्लोर प्रॉब्ली. और वो जो बॉडी डबल था उसको उल्टा लटकाया बैल्कनी से तो वो चीखना शुरू हो गया. उसकी हालत टाइट हो गई. कुछ शुगर लेवल्स डाउन हो गए. उसको हटा दिया. अब वो इतना हबड़ दबड़ हुआ कि इन्होंने फौरन से मुझे कहा कि आओ बस चलो और मुझे लटका दिया. मुझे लटकने के बाद एहसास हुआ मैंने कहा ये तो मैं लटक गया हूँ.
और शॉट ले रहे हैं। अच्छा कोई नीचे से बात भी नहीं कर रहा, सब गायब हो गए, बस वो लगे हुए, वो बॉडी डबल के बगैर मैंने पूरा काम किया, बॉडी डबल खड़ा हुआ उधर चुप करके ना, तो वो हो गया और वो तरीके से कर लिया, बट इट वाज वेरी स्केरी। उसमें हम दोनों लटके हुए हैं उसमें, खैर ये उल्टा लटका था, आप बाद में लटके थे यार, वो जो पहाड़ से लटके थे यार, लेकिन मेरे साथ लड़की भी थी साथ, ऐसे ही है, आपके साथ लड़की थी ना, मैं अकेला था। हाउ बोरिंग, इनका तो लटकना, इनको मजा आया होगा, ही मस्ट बी सो हैप्पी। मजा क्यों आएगा, क्या मतलब साथ कंपनी है ना यार, इसलिए मजा आएगा। उसको भी आया होगा फिर, जाहिर है उसको तो और ज्यादा आया होगा, तो उससे पूछेंगे कौन थी साथ, बराबर है, कौन सी वाली लटक, कुबरा, कुबरा लटक रही थी, हाँ डेफिनेटली, कुबरा से पूछना, हाँ कुबरा से, कुबरा आएगी तो जरूर पूछेंगे। अच्छा कोई ऐसा काम अपना किया जो दिल में आता हो कि यार ये मैंने क्यों कर लिया था यार, बहुत सारे काम ऐसे, कोई एक बहुत ही जो लगता हो कि व्हाई डिड आई डू दिस मैन, एक तो ड्रामा तुमने और मैंने दुबई में किया था, एक जमाना था जब आप फॉरेन लोकेशन पे चले तो जाते थे शूट करने के लिए, लेकिन परमिशन आपके पास होती नहीं थी, तो अब वो डायरेक्टर जाना, ऐसे ही करते थे, तो अब यहाँ खड़े हो जाओ, यहीं पे करो सीन, हर सनसेट, हर जगह से चल के आ जाओ, वहां से चल चल के इंसान परेशान, भाई क्यों आ रहा है, क्या लॉजिक है इसकी, जस्ट बिकॉज पीछे आपको कोई बुर्ज खलीफा वो दिख रहा है तो वो कर रहे होते थे, बहुत बुरे बुरे ड्रामे तो अमेरिका के अंदर, हमें वो फलाने मॉल की परमिशन नहीं है, तो आपा सुल्ताना दूर खड़ी हुई है, वहां से चल के ऐसा रिग्रेट होता यार ये मैंने बस क्यों कर लिया इसको, मैं इरेज कर दूं, इरेज कर ही नहीं सकते जो कर लिया, दिल में आता यार ये क्यों किया भाई। एक फिल्म थी मेरी नो पैसा नो प्रॉब्लम, नहीं अच्छी थी वो, अच्छी थी वो फिल्म, नहीं नहीं मैं अपने कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, लड़की बन, तो लड़की बन के लड़की बना था, हाँ वो आज बननी चाहिए थी, हाँ अब उस टाइम आप जैसे दिखते थे, अभी तो अवार्ड भी मिल जाता, नहीं ऐसे ही दिखते थे यार उस टाइम भी, क्या मतलब कैसे दिखते थे, जैसे हैं अभी, तुम कैसे दिखते थे आज से 10-12 साल पहले, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदगी हो, कसम का ऐसे ही दिखता था और क्या, हाँ ऐसा ही, ऐसा मैं तो पक्की बात, मैं तो बचपन से ऐसा दिखता हूँ, बकौल एहसन के, एहसन ने कहा मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया, ये कहाँ से निकाला भाई, वहाँ खड़े कोई गिफ्ट लाए यार, ये बंदा जो है ना, तुम गिफ्ट लाए उसके लिए यार, यार कुछ सीखे भाई, इट्स अ न्यू ईयर यार मेरे भाई, देखना फिर कैसा होगा, आई थिंक न्यू ईयर है, न्यू ईयर में इंसान को कोई जरूर इंसान को अपना पास नहीं भूलना चाहिए, और हीर रांझा द फिल्म 1 million प्लस व्यूज, अब आप चेक, ये बहुत पुराना नहीं है इसका, ये तो 5-6 साल पहले किया है इसने, और ये 5-6 साल पहले ऐसा था, हाँ और ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं भाई, काम रिग्रेट, ऐसा नहीं था, 8 साल से पुराना नहीं है ये यार, एक सेकंड एक मिनट, ये मुझे दे दे भाई, ये वो है ना, ये तो हम लगाएंगे तुम्हारे शो, सली साहब ने बनाई थी, सली साहब ने, वो सब पता है, अब भाई ये नया है यार, एक मिनट भाई वाह, तो अच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे, सही लग रहा हूँ, ये देखिए ना, ये वो बचपन से झूठ बोलते हैं, उनको प्रैक्टिस है प्रैक्टिस कहाँ से हुई, क्या मतलब प्रैक्टिस है, नहीं प्रोड्यूसर को ये काम है, ये बता झूठ बोल रहा और क्या अच्छा यार ये वैसे ये जो विग है ना इसमें, जब पहली बार मैंने पहनी तो ये पीटीवी से, क्योंकि पीटीवी का प्ले था, तो पीटीवी की एक अब उधर वार्डरोब में से कोई विग निकाली, पुरानी कोई विग निकाली, तो मैं और सीन रेडी है, ट्रायल के लिए भी नहीं गए उसे, तो ये इसलिए ऐसी कंडीशन, बट इट्स अ गुड प्ले, अगर 1 million व्यूज है तो ठीक ही होगा ये, लेकिन ये किसने लिखा ऊपर, अबव 1 million है, अब ये मच मोर, चेक करो हाँ यार, यार लिखा क्यों, एक मिनट पता सब है, रात में चेक किया इसने जाके इसके, भाई अगर मिलियन पे तस्वीर लगाओगे वो कल को 5 million भी हो जाएंगे, तो क्या घर पे नहीं, मैं शो पे लगाऊंगा, कोई बात नहीं, फाद मुस्तफा ने गिफ्ट किया यार, तुमने दिए ना, मैंने दिए, तो उसने वहां से तस्वीर निकाली 1 million, दिस वाज यूसुफ सलाउद्दीन्स प्रोडक्शन, अच्छा पीटीवीज प्रोडक्शन, एंड नसीरुद्दीन शाह साहब डिड द वॉइस ओवर रियली फॉर दिस प्ले, क्या बात, सो वो आपको पता नहीं चला, एक अलग बात है, बट एनीवे गाइस, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, टाइम आउट विद एहसन खान देख रहे हैं, और कुछ ही देर में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए, थैंक यू वेरी मच। Now welcome back to Time Out with Ehsan Khan, और आप देख रहे हैं हमारे पास superstars मौजूद हैं, पहला शो है, and I'm enjoying so much, honestly, कि ब्रेक लेने का भी दिल नहीं कर रहा, ये देखिए हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा ने इस वक्त पकड़ा हुआ है, ये क्या कहते हैं
दोनों के हाथ में शॉकर्स हैं, यस मुझे याद आ गया, दोनों के हाथ में शॉकर्स हैं सिर्फ, लेकिन शॉकर्स के बटन्स भी हैं। हमायूं से जवाब देंगे फहद मुस्तफा बनके, फहद मुस्तफा जवाब देंगे हमायूं से बनके। हमायूं सईद से जो बात पूछूंगा, अगर इन्होंने गलत जवाब दिया कि फहद मुस्तफा के लिए जवाब देंगे, ऑफ कोर्स, तो आपने दबा देना है, चेक करें क्या चेक करें। अच्छा ठीक है, गुड है, नाइस, सही है, ये रिएक्शन जरा ज्यादा आ गया, चेक किया और फहद मुस्तफा कौन है अब? ये है ना फहद मुस्तफा, हाँ ये फहद मुस्तफा, सही नहीं कर, फहद मुस्तफा के लिए सवाल है लेकिन हमारे सही जवाब देंगे, ठीक है, ओके, यू गेट इट, कि फहद क्या सोच रहा है, ठीक है, आप ना सोचें इतना, हाँ पता है तुम, ठीक है, पूछो तो सही, इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट डायरेक्टर कौन है, ये फहद का जवाब होना चाहिए, आपको क्या लगता है? नबील कुरैशी, हाँ फहद, ऑफ कोर्स ऐसा ही है, ऑफ कोर्स ऐसा ही है, करंट नहीं लगा तो समझ लो सही है ना, रिएक्ट ही नहीं किया, वेरी नाइस, ठीक है, इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट डायरेक्टर कौन है, हमायूं सही जवाब देंगे, नदीम बेग, दब नहीं रहा यार, दब यार, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हाँ। मतलब आप जो खुद को लगता है ना, जाहिर सी बात है, ठीक है, अच्छा एहसन खान का बताऊं क्या? बता दो यासिर नवाज, ऑफ कोर्स, क्या फिल्म बनाई यासिर ने, पहले ऐसे क्यों तुम, हाँ तो पहले क्यों ऐसे, वो उस पर मेरे पे कैमरा कट नहीं था, शुक्र है, पीटीवी का एक्टर है ना, इसको याद है वो वाला, क्या बोलो, ओके, अब जब हम दोनों से सवाल करेगा तो एक हम वही सवाल करेंगे, वही सवाल करेंगे, ठीक है, डन, आओ बेटा, इन्हीं को बातें कर रहे थे भाई, मैं चला जाता हूं यहां से, हां ठीक है, हां इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, डोंट वरी फहद, अच्छा हमायूं सईद के लिए सवाल है फहद आपसे, कमरे में, ये गंदा सवाल मैं जवाब नहीं दूंगा, साफ सुथरे से सवाल करें, खुद ही ज़ूम कर लिए सवाल करता है, कमरे में क्या इससे ज्यादा, देखो यार कमरे में, चलो सुन तो ले भाई, मतलब हमारी से ये सवाल है तो जरूरी है कि वो ऐसा वैसा ही हो गया है, सईद कमरे में, इट्स अ वेरी वियर्ड टॉक, आइसोलेशन में, अच्छा अकेला, आजकल तो यही है, गुड, तो कमरे में से पर्स गायब हो गया हमारी सईद का, पर्स क्यों गायब हो गया, एक सेकंड, आदमी वॉलेट ना, वॉलेट गायब हो गया तो किसने उठाया होगा, एक मिनट, अहमद अली भट्ट, नबील कुरैशी, वासे चौधरी, उठाने से ज्यादा है अहमद अली भट्ट के अलावा कोई और चीज नहीं उठा सकता, सही है ना, है ना, सही है, हाँ अब किसी भी किस्म का उठाना समझ सकते हैं, आई लव यू अहमद, गॉड ब्लेस यू, इंडस्ट्री का सबसे वर्स्ट डायरेक्टर ये फहद बोल रहा है, इंडस्ट्री का सबसे वर्स्ट डायरेक्टर, यार इतना सोचेंगे तो कैसे चलेगा, तुम्हारे ये किसने डायरेक्ट किया था, हीर रांझा, नहीं ऐसे पूछ रहे, हाँ वैसे किसने डायरेक्ट किया था, जस्ट इंफॉर्मेशन, शायद जहूर ने किया था, नहीं वो फिर भी अच्छे हैं, ठीक है, वो अच्छा काम किया हुआ है, हमारी से ने काम किया हुआ शायद जहूर के साथ, हाँ आगे भाई ये देंगे जवाब, मुझे नहीं समझ आ रहा है भाई कौन सा किसको, ये किस सबको अच्छा समझता है, शॉकर तीन दफा लगे, नहीं सबको अच्छा समझता है, हैं ओ तेरी, मैंने दे दिया शॉक कर दिया, ये जवाब ना देने पे इसने दे दिया, मैंने जवाब दे दिया, हाँ तो अब यही सवाल आपसे है, हिसाब से हाँ, कि इंडस्ट्री का वर्स्ट डायरेक्टर ये हमायूं सईद कह रहा है, वो आपकी वो जो गैजेटी फिल्म थी किसने डायरेक्ट की थी, कौन सी कौन किसने की थी, ये जो नाम ये? क्या था उसमें, नहीं ये पता किस फिल्म की याद, वो जिसमें, अरे जिसमें शहरयार भी था और हाँ, वो कौन सी सायरा भी थी जो लगी नहीं थी शायद, अब बड़ा याद नहीं आपको, अच्छा नाइट में, हाँ देखा नाम ही याद नहीं है, तो बस यही है गेम, ना तो तुम बोल देना, नाम तो बताओ तो बोलूंगा ना, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा उसका, ये देखो क्या ये सही है इनके साथ, क्या नाम है, क्या नादिर, नादिर है ना, वही है ना, बस अगर नहीं है तो फिर दबाएं जोर की, हाँ ठीक है, ओके है? सही है, सही बोला, सही बोला, ठीक है, इंडस्ट्री का सबसे दिल फेंक इंसान ये हमायूं सही जवाब दे रहा है, मैं खुद हूं हमायूं सही, और क्या इंडस्ट्री का सबसे दिल फेंक, ऑफकोर्स नहीं दबेगा इस पे, दबी नहीं रहा, उन्होंने हाथ हटा के दूर कर लिया, इधर रख लिया, ये तुम इससे सवाल कर रहे हो, मैं हमायूं से इससे सवाल कर रहा हूं, हमायूं से ही सवाल कर रहे हो, वो कह रहे हमायूं सही थी इंडस्ट्री के सबसे, अब इस पे अगर मुझे करंट लगा ना, नहीं क्यों क्यों भाई, अच्छा ठीक है, कौन है फिर कौन है, अच्छा ये सवाल हमायूं से, मेरा ये रिकॉर्ड था 15 साल पहले, इस 10-15 सालों में रिकॉर्ड ऐसे बड़े-बड़े आ गए ऐसे तोड़ने वाले, आपकी सोच है,
इंडस्ट्री का सबसे दिल फेंक इंसान, ये फाद मुस्तफा सोच के जवाब दे रहा है। फाद मुस्तफा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री का सबसे दिल फेंक इंसान हुमायूं सईद। ये तो यही सोच रहा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करण वार क्यों मारो, सही है, बिल्कुल ठीक है यार। ठीक है, शोबिज में आने का सबसे बड़ा नुकसान फाद मुस्तफा क्या हुआ? मेरे नहीं ख्याल कोई नुकसान, कोई नुकसान हुआ, बिल्कुल सही है, कोई नुकसान, बिल्कुल सही है, कोई नुकसान, ये तो जिंदगी बन गई इसकी। वरना ये वरना वरना मोबाइल बेच रहा होता, मोबाइल बेच रहा होता उतागी कैसे, सीरियसली इवन आई टोल्ड यू, बिल्कुल सही। वंस माय अब्बा टुक मी अ प्लेस के वो बिरयानी की कोई फ्रेंचाइज खरीद रहे थे, तो वो आंटी मुझे बिरयानी की बोटियां समझा रही थी, बेटा इतनी बोटियां एक प्लेट में डलेंगी तो ये फायदा होगा। मैंने यार ये स्टेट एजेंट होता, हां ये भी हो सकता है, हां ये भी काम है के चल रहा है साथ साइड पे, ऐसे ही अभी नहीं पता किसी को उस काम का। गुड यार, बड़ा जरी माशाल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सो अगर यही सवाल आपसे करूं, हाँ, नुकसान क्या हुआ इंडस्ट्री में आने का? इनको क्या नुकसान, कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनको सही है, फायदा ही हुआ। ये भी ऐसे हुए नुकसान का दिल कर रहा है झटका देने को, दिल कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नुकसान हुआ। ठीक है, सही कह रहे हैं, गलत नहीं ना, वो है नुकसान तो मैंने दबा दिया उसको। हां सही, क्या बताएंगे थोड़ी कि तुम्हें क्या नुकसान, कोई तो नुकसान होगा ना यार, कभी है बस अब नहीं बताएंगे। अच्छा आप इससे पूछ रहे हैं, वो बुशरा ने एक बात नहीं होता कि प्राइवेसी, नहीं वो तो आप प्राइवेसी, बुशरा ने एक बात की थी कि अल्लाह ने पैसा दिया और रिस्क छीन लिया, तो हम डाइट पे रहते हैं सारी जिंदगी, ये एक सबसे बड़ा नुकसान है, फायदा नहीं होता हमें, लेकिन रहते हैं। बिरयानी नहीं खाते लेकिन मैं फिर भी खा लेता हूं, लगता है कि हेल्दी भी रहते हैं, थोड़ा डाइट कॉन्शियस भी थोड़ा बंदा, पता नहीं है। ठीक है ओके, मैं अभी छोटा हूं, मैं अभी पता चल जाएंगे मुझे वो नुकसान क्या है, मैं बता दूंगा अभी छोटा खत्म होने के बाद, थैंक यू, इसको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा क्या नेक्स्ट टाइम करना, ख्याल रखूंगा। इंडस्ट्री में आते ही जब बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां एक साथ देखते हैं तो पहली बात दिल में क्या आती है, ये जब ये मैं हुमायूं सईद से पूछ रहा हूं, पहली बात क्या आती है हुमायूं के? पहली बात तो है कि इंडस्ट्री में खूबसूरत लड़कियां हैं कहां? सर ये फाद मुस्तफा बन गया यार, ये हुमायूं सईद जवाब दे रहे हैं फाद, हुमायूं सईद भाई नहीं, मुझे खूबसूरत लगते हैं लोग। अच्छा लगते हैं लोग, लोग लगते हैं तो लड़कियां बंदे भी लगते हैं, बंदे हैं यानी तुम हुस्न परस्त इंसान है तो क्या है, अच्छा नहीं लगता? जावेद शेख साहब है और कोई नहीं है, हुस्न परस्त इंसान। अच्छा क्या मतलब है इस बात का? वो हुमायूं सईद क्या जवाब देगा कि इतनी सारी लड़कियां देख के, क्या क्या लाइन आती है हुमायूं सईद के ज़हन में कि इतनी सारी लड़कियां देख के कैसी है बाजी, आप ठीक है? नहीं आती। अब मैं बोलूं जो आपके दिल में आता है वो कैसे माशाल्लाह बोल ही ना दें आप? बोलता हूँ। अच्छा ठीक है ओके ओके यार, अब स्टेज पे इंसान माशाल्लाह इस स्टेज पे नहीं मतलब ये क्या कर रहा है यार, ये क्यों नहीं यार, हां व्हाई नॉट यार, स्टेज पे यार, स्टेज पे बोलना चाहिए, 20 साल पहले भी माशाल्लाह बोला, ये देखिए ना माशाल्लाह। अच्छा अब फहद, क्या फहद से यही सवाल हो तो क्या इसके ज़हन में आता है खूबसूरत लड़कियों की लाइन देख के, अबे क्या है ये लड़कियां क्या अभी टांगे समर ये इतना मेकअप थोप के समर रही है कि ये अच्छा फिर क्या मुझे लगता है इस तरह की बात होगी ऐसे ही। वैसे फहद को एक्चुअली नहीं पसंद लड़कियों में इंटरेस्ट एलर्जिक नहीं, आप जेन्युइनली यू जस्ट सेड कि देयर आरंट वेरी लाइक प्रीटी गर्ल्स, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं कहता हूं कि मुझे जो फिल्म पे होती है वो पसंद होती है मुझे। सही है, भी ठीक है, ये जस्ट एसोसिएशन या पेयर चल रहा है होना चाहिए ना आपको, ठीक है थोड़ी केमिस्ट्री तो डेवलप करनी पड़ती है, हम कर लेते हैं पहले दिन ही, तुम भी कर लेते हो तुम्हारे, अच्छा तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत लड़कियां देखते हो क्या लाइन आती है, क्या लाइन आती है तुम्हारी? हसन खान, She's beautiful, she's gorgeous, she's hot. मैं इससे ज़्यादा प्यारा क्यों नहीं? और मतलब जितनी वो अच्छी होगी तो आएगी, मैं तो clearly बोलूँगा, मैं तो नहीं पता इसकी आवाज़ अच्छी है, वो अच्छी है, इसकी आवाज़ निकलती है, मेरा मेकअप वाला कहाँ है? प्यारी लड़की देखिए। Yes yes, बात सही है, ठीक है। इनमें से किसका मजाक खतरनाक है बहुत? ये फहद मुस्तफा सवाल है लेकिन हुमायूं सईद बनके जवाब देंगे, खतरनाक मजाक है वासे चौधरी या मिस्टर बट? मिस्टर बट को मजाक करना कहाँ आता है, वासे चौधरी है जिसको आता है मजाक करना, वो बड़ा सीरियस मजाक करता है। सही है, या ठीक है। सबसे महंगा गिफ्ट कौन देता है इंडस्ट्री में, ये फहद ने बताना है, सबसे महंगा गिफ्ट इंडस्ट्री में कौन देता है?
सुना माया ली देती है। मुझे तो नहीं दिया यार। आपको दिया? मुझे भी दो तीन दिन पहले किसी ने बताया था। आपको दिया? नहीं, लेकिन ये तो हमें क्यों नहीं दे रही है? नहीं, बताया था, ये बताने से पता लगा है सर। एक मिनट पहले इस पे डिस्कशन कर, तुम्हें मिला? नहीं, हमारे ने तो हमें गिफ्ट दिया यार। नफाक किया हैं? नहीं, अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं हुआ, जिसने काम करती है उसको गिफ्ट देती हूं। ओके, लिख लो ये। तो ठीक है, माया माया से पूछेंगे जरा अभी। माया से फोन लगा के पूछते हैं, क्या गिफ्ट दिया? हमें क्यों नहीं मिला? हमें नहीं दिया यार, हमें क्यों नहीं दिया? नहीं, मुझे भी नहीं दिया, मैं तो काम नहीं किया कभी। हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं? फौरन भाई मुकर गए फौरन। अच्छा, नहीं काम नहीं। अच्छा ठीक है, तो उसको दबाओ ना, वो फहद मुस्तफा बन के बोल रहे थे नहीं दिया। उसने बोला, मैं उसने बोला दबाओ यार, सही या गलत पे दबाना। अच्छा, अब ये सवाल आपसे होता है, इंडस्ट्री में कौन सबसे महंगे गिफ्ट देता है, तो क्या जवाब होगा? हुमायूं सईद के लिए। हुमायूं सईद जवाब दे रहा है यार। फहद यार, कौन है इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री वाले अपना बुखार ना दे किसी को यार, गिफ्ट क्या देंगे? नहीं, ऐसा है कि नहीं? ये बात भी सही है, कोई नहीं देता। ये बात भी कोई नहीं देता। नोबडी। हमने जिस जिसको दिया है वो पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, हम बताते थोड़ी हैं। प्रोड्यूसर तो यार, एक रिलेशनशिप ही रखना पड़ता है एक्टर से, तो कभी पैसे देते हैं इतने तो हम अच्छा स्क्रिप्ट देते हैं बस। अच्छा वैसे यहाँ पर, वैसे एज ए प्रोड्यूसर जब कोई एक्टर बोल रहा हो पैसों का, ये उसके अलावा एक सवाल है, तो जब खुद आप when somebody ask your fee, तब आप जरा खुल के बोलते हैं, हमें देता कौन है फी? क्यों अपने शो कितने पैसे लेता है यार? हम क्या लेते हैं? हाँ भाई, अब नहीं लेते, हमारा सिस्टम दूसरा है, हमारा अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई। नहीं, बाकी सही बात, ये अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकता, काम भी करते जा रहे हैं यार, फ्री में काम कर, फी सभी अल्लाह चल रहा है काम। प्रोड्यूसर है ना, बस प्रोड्यूसर है जो उसमें अल्लाह ने प्रोड्यूसर का एहसास आ गया बहुत। दूसरा प्रोड्यूसर है कहां? ये भी बात सही है, कम है लेकिन होने चाहिए, होने चाहिए। कोई हमें भी पैसे आपको दे, भी करनी चाहिए प्रोडक्शन। तुम करो, हमें लो। तुम करते तो हो, तुमने की है। हमें क्यों ऑन एंड ऑफ? कभी वो मेरे पास चॉइसेस इतनी अच्छी हैं बगैर प्रोडक्शन की कि आई डोंट वांट टू प्रोड्यूस। हमें लो ना, हमारे पास अच्छी चॉइस है वैसे, है ना? एक्चुअली हमसे पूछो, हमसे पूछो। सही है, खैर एनीवेज ठीक है जी। ओके, फहद मुस्तफा, ये हुमायूं सईद का जवाब देना आपने कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस को आपके साथ देखकर बेगम जरा सा शक तो करेंगी? कौन सी ऐसी नहीं है जिसको देखकर जरा सा शक करेगी? अरे ये गलत देखा, ये नहीं करो, देखो ये है ना, एक दो ऐसी। अच्छा, एक दो ऐसी, एक दो ऐसी नहीं है जिस पे शक नहीं होता। एक तो फिर एक दो, वो असल में ना मेरा देखो, एक तो चक्कर ये मुझे काम करते हुए हो गए हैं 24 साल, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो 24 साल में ना वक्त बदलता रहता है। हाँ, तो शक एक सा नहीं। पहले भाई 2 डेकेड हो गए ना, अब पिछले जो शुरू में जो 10 साल गुजरे हैं उसके अंदर कुछ और था, अब जो लास्ट जो 10 इयर्स है उसमें एक दो ही हैं, बाकी नहीं। डिटेल रहने दे, ठीक है, अब शक जरा कम। अच्छा, तो ये सवाल अगर मैं फहद मुस्तफा के लिए करूं, तो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस जिसको देख के फहद की बेगम को जरा सा शक होगा? चलो थोड़ा सा नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था एक्ट्रेस खूबसूरत कहां है, नहीं होगा, उसको पसंद ही नहीं है। नहीं, आई डोंट लाइक, वेरी प्रोफेशनल। मेरे एक एक्टर दोस्त है जिन पे शायद हो सकता हो। तुम ज्यादा उसके पास क्यों जा रहे हो? एक फाज शेख है, एक दो और है, इस तरह के लोग हैं। ठीक है, मोहब्बत एक बार या बार बार, ये हुमायूं से जवाब दे रहे हैं। एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं मोहब्बत? फंस जाते हैं, काम करो काम। सही बोल रहे, कभी नहीं मोहब्बत आपको हुई तो है, लेकिन फिर दबाए ना उसको जोर से, जोर हमारे साथ हैं। अच्छा हाँ जी, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, मोहब्बत एक बार या बार बार, फहद मुस्तफा के लिए, फहद मुस्तफा क्या बोलेगा? एक बार भी नहीं। हाँ, गुड गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसको नहीं होती शादी की है तो एक बार तो हुई होगी मोहब्बत। शादी से प्यार का क्या ताल्लुक है? शादी शादी होती है, प्यार प्यार होता है। यानी बेगम से प्यार नहीं होता? मुझे बेगम से ही हुआ। हाँ, किसकी? अपनी। नहीं, वाकई ऐसा ही ठीक है, तो ठीक है, एक हुआ वही हुआ। यार, ये यार ऐसा जुमला आया, बस बेहतर कर, मैं ये नहीं, शो छोड़ के नहीं जाना प्लीज। नहीं जा रहा। अच्छा ठीक, शो छोड़ के कौन जाएगा? अच्छा, ये भी ऐसी मस्ती कर रहा है, मस्ती कर रहे हैं यार, मजाक। अब नहीं जाऊंगा शो छोड़ के, कह रहा हूं नहीं जाऊंगा शो छोड़ के। पक्का प्यार है? पक्का नहीं, नहीं प्यार प्यार करता सबसे सबसे। ठीक है, ये भी ठीक है। कौन सी ऐसी हीरोइन है, ये हुमायूं से जवाब दे रहा है, जिसके लिए इसरार किया जाएगा या कभी कहा जाएगा कि मैंने इसको मेरा ऑपोजिट कास्ट कर लो यार,
ये मेरे साथ बहुत सूट करती है, शी इज अ वंडरफुल एक्टर, इसको कास्ट कर लो. जेनिफर लोपेज. हाँ, दिल तो चाह रहा है आपका. उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस. नहीं, पाकिस्तानी हम नहीं, हम सब है हमारे साथ कर रही है काम. हाँ, सभी कर रही है वैसे. यार कोई तो मैं अच्छी ज्यादा लगती हो कि यार सब जिसे नहीं किया, नहीं किया नहीं किया हो तो वो माया अली गिफ्ट भी कर लिया मैंने तो. ठीक है, तकरीबन तकरीबन. हाँ, यही जवाब. अगर फहद मुस्तफा देगा कौन सी हीरोइन है जिसके साथ करना चाहता था या चाहता है? सायरा खान. ओ, ये तो मुझे याद ही नहीं था. कौन सा ऐसा हीरो है जिसको देख के हुमायूं के साथ काम नहीं करना? ये हुमायूं सही जवाब दे, ये हुमायूं सही जवाब दे रहे हैं. मुझे लगता है हुमायूं भाई इस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं इनको. ठीक है, नो इशू, नो इशू. नो फहद को. एहसन खान. True. True. You're too good. ये हो ही नहीं सकता. Too good. क्यों, कैसे नहीं? तुम्हें अपने पे यकीन नहीं? भरोसा नहीं? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि I'm not too good. ये हो सकता है. I'm very good. I'm jealous of you. No, you're not. I am. मेरे सब शोज में भी आता है. मैं भी इस शो में जाता हूँ. ये क्या हो गया? शो अलग चीज़ है. उसका मतलब है कि इकट्ठे हैं. हम सब जाते हैं. हम इसमें क्या? यार आप. मैं भी आया हूँ. अच्छा भाई ठीक है. अच्छा भाई ठीक है. ठीक है भाई, मान लेता हूँ. ठीक है. अच्छा तुम किस हीरो के साथ काम नहीं करना चाहते? जरा जवाब देना. आइए जरा एक मिनट, ये पकड़ना, जवाब दो. दो ना जवाब. कोई ऐसा है ही नहीं हीरो जिसका मैं काम नहीं करना चाहता. कोई ऐसा हीरो है ही नहीं जिसका मैं काम सबके साथ. हीरोइन और हीरोइन सबके साथ. कौन सी यार जिसका नहीं करूंगा? हाँ ये भी ऐसे. कौन? हाँ सब. नीलम उनमें सबसे अच्छी है. नीलम यार कमाल है यार. क्या बात है नीलम की. वाह, मैं कभी नीलम के साथ काम करना. मैं भी. ये देखा? यस, नीलम हमारे साथ हम सब काम करेंगे. मैं एक टिकटॉक तो बनाना ही चाहूंगा उसके साथ. वो भी बन सकता है. वो भी, उसमें टाइम भी कम लगेगा ना. हाँ लेकिन मैं तो सीरियसली काम करना चाहता हूँ एक्ट्रेस. नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आई लव नीलम. यस ठीक है. एक ऐसा कोई स्कैंडल हुमायूं सईद का जो हुमायूं को बहुत डिस्टर्ब किया हो. अब मुझे क्या पता, ये तो मतलब. चलो खुद बता दें यार, बस पे दबा देना भाई. मेरा वो एक दफा मीरा के साथ आया था कि मीरा के साथ शादी हो गई. ये डिस्टर्बिंग. गॉड, बहुत डिस्टर्बिंग था. इस पे मैं भी डिस्टर्ब. इस पे तो मैं भी डिस्टर्ब. इसी में फिल्म बनी थी. डिस्टर्बिंग बिहेवियर. अच्छा, और फहद का कोई ऐसा स्कैंडल जो लगता हो कि बहुत डिस्टर्बिंग है लेकिन ऐसी बात मतलब ऑब्वियसली नहीं है, वो तो स्कैंडल होता है. रूमर. तुम्हारा तो कोई स्कैंडल नहीं था. मेरा कोई स्कैंडल नहीं है. इसका तो लड़कों मेरे लड़कों के साथ रहती हैं बस. सीरियसली मैं तो कहता हूं मेरे चैनल से झगड़े रहते हैं लड़कों को कास्ट कराने में. मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं. लड़कियों का तो मसला ही कोई नहीं. इसको लड़कियां नहीं पसंद. मैं सही कह रहा हूं. हाँ ऐसे ही. अच्छा भाई यहाँ पे बहुत झटके लग गए और बहुत जबरदस्त जवाब थे जनाब. बहुत मजा. एक छोटा सा ब्रेक लेके अगली गेम की तरफ बढ़ेंगे. देखते रहिए टाइम आउट फॉर एहसन खान. Now welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और हमारा सेगमेंट है तीखा सच. और तीखा सच में हमारे साथ हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा मौजूद हैं. और इसमें होने क्या जा रहा है वो ये है कि इनके सामने बहुत जबरदस्त किस्म का इनका फेवरेट जो चरगा है वो मौजूद है. लेकिन उसमें मिर्चें थोड़ी ज्यादा हैं. और ज्यादा के बाद बहुत ज्यादा. क्यों? बहुत ज्यादा के बाद बहुत ही ज्यादा. क्यों? क्योंकि ये हाँ ये वाली भी है. और ये सब खाते खाते आपको बोलना है और सच बोलना है. जो मैं आपसे सवालात करूंगा जो आप लोग अपनी स्टेटमेंट से उसी के बारे में बात करेंगे. मैं कहीं हाँ कहीं बाहर से बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी. कोई सवाल बाहर से नहीं होगा. आपकी स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई डिड यू से दैट. हम तो बहुत सी चीजें मजाक में कह देते हैं. सीरियस थोड़ी लगता है. बता देना मजाक में कहीं होंगे. ओके, लेकिन ये है कि कहां से शुरू करेंगे आप? फहद, सो व्हाट इफ आई एक्सप्लेन इट राइट, व्हाट हैपेंस देन? You keep eating this. Why would I eat this? यार आपकी मतलब आपको ये देखें. ये ना वैशी हुमायूं सईद ने आते ये वैशी का खा रहा हूँ भाई. और नहीं अच्छी बात है. हुमायूं भाई दूर से बातें में जाएं और वैशी हो जाएं. एक सेकंड. क्या? I don't know. I just heard it. क्या बोला? I don't know. आपने क्या बोला? जी क्या बता? ये ना मिर्च है ना? ऐसे नहीं. ओ नहीं नहीं यार ऐसे कौन? ऐसे.
अच्छा है यार, ये मिर्च के बगैर नहीं खाना भाई, मैंने ये थोड़ी बोला मिर्च के बगैर खाओ यार। ये क्या बकवास है, मिर्च हमारा पेट खराब हो जाएगा यार। नहीं होता यार, नहीं होता इसके भाई, पेट का दिमाग नहीं होगा, नहीं होगा दिमाग खराब नहीं होगा। ओके, पहला सवाल हमायूं सईद, हमायूं से मिर्च डालें। पहला सवाल, आपने कहा कि अर्तुरुल से भी बड़ा ड्रामा बना सकता हूं, इसके बारे में बताइए। मतलब ड्यूरेशन वाइज कह रहे हो ना? मैंने ये कब कहा कि उससे बड़ा बना था? फिर आपने कहा तो उस जैसा बना दूंगा। नहीं नहीं, मैंने उस जैसा भी नहीं बोला था। मैंने कब ड्रामा जो है वो हमारे यहाँ भी बड़ा बन सकता है। ड्रामा हमारे यहाँ भी बड़ा बन सकता है, लेकिन वहाँ की मार्केट बड़ी है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है उनका ड्रामा, हमारा अभी नहीं होता। लेकिन हम फिर भी बना सकते हैं अगर पैसा हो तो। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, फहद तो बड़ा एंजॉय कर रहा है मिर्च को यार, लगता है मिर्च खाता है फहद। ओहो, ये देखे ना, स्पिरिट चेक करें। फहद मुस्तफा ने कहा कि टिकटॉक से अपने बच्चों को दूर रखें, क्यों कहा, क्यों नहीं वजह बताया ना, क्यों दूर रखें? भाई अभी पिछले दिनों मैंने देखा किसी ने बंदूक मार ली अपने आप को टिकटॉक मारते हुए। आई सेंड यू दैट वीडियो आल्सो। सो मतलब इससे ज्यादा और क्या करें? और किसी ने अपने आप को वीडियो बनाते हुए ट्रेन से टकरा गया और मर गया टिकटॉक बनाते हुए। यस, इट्स गुड पॉइंट यार। ये आधी मिर्ची कितनी एंजॉय कर रहा है, मैं जवाब भी सुन रहा हूं। बेटा हम सिंधी हैं, सिंधी हम उगाते हैं। तो सेलिब्रिटी जो टिकटॉक बनाते हैं वो सही है? मुझे क्या बताओ, उनसे पूछो क्या लगता है, खुद तो मना कर रहे हो यार, खुद कभी बनाएंगे टिकटॉक? देखो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि अगर आपने ये सोच लिया कि टिकटॉक ही मेरा वाहिद पैसे कमाने का एक जरिया है तो ये कोई जस्टिफाइड लॉजिक नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटी, अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली जॉब अपॉर्चुनिटी, कि आप अपनी जान ही गंवाना शुरू कर दो। हाँ, ये ऑफ कोर्स इट्स स्ट्रांग। ठीक है, आगे बढ़े। हमारे सईद, आप बिल्कुल मिर्चें नहीं खा रहे यार, तुम अगर दो मिनट चुप हो जाओ हम खाना खा लें। तो क्या ये क्या, दो मिनट चुप कर, मुझे दो मिनट के बाद लगती है मिर्च, दो मिनट के बाद लगती है। क्यों, वो गले में नहीं लग रही थी? मतलब तुम्हारे सवाल पूछने पे लगी। फहद मुस्तफा जो कि मिर्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा था कि दोनों जो है ये बैठ जाएंगे बगैर, वो देखो मुझे अब लगना शुरू हुई है यार, ये पेट खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पेट खराब होता फहद यार, हड्डी छोड़ देना भाई। भाई छोड़, अच्छा भाई हड्डी छोड़, नहीं नहीं, अरे भाई खा रहे हैं ना हम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, पागल हो गए तो पेट खराब हो जाएगा। नहीं होता, नहीं होता, इससे खराब नहीं होता पेट, कि दूसरों खराब करता है, दिमाग खराब होता है। क्या मतलब है इस बात? नहीं, सवाल पूछो, सवाल bring it on। फादी वाला अभी खा रहा है, अभी खा रहा है, वो तो हरी मिर्ची भी खा गया। अरे तू क्या बज रहा है, क्या बात है यार, पसीने आ जाएंगे यार। फहद ने कहा कि अर्तुरुल आया शेर के साथ तस्वीरें खिंचवा के चला गया, तो नहीं खिंचवाएंगे क्या, गलत कहा? अभी हम आए तुम्हारे शो करके चले गए, अर्तुरुल आया तस्वीरें खिंचवा के चला गया, इसमें क्या गलत कहा? नहीं, ये क्यों कहा यार, इसमें स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है, मैं मुझे सर समझा, मैंने देखा तस्वीरें खिंचवा था, मैंने कहा उसे तस्वीरें खिंचवाएंगे चला गया बस, क्या नहीं किया क्या? नहीं, अभी बजा यार। नहीं, वो किसी, वो जो इंटरव्यू में आई थिंक वो किसी और रेफरेंस से ये बात कर रहा था, तो उसका एक दिया कि भाई वो आया, वो लेके चला गया, वो आया, लेके चला आया, तस्वीरें लेके चला गया, तो साइड सीन करा, अच्छा हुआ, अच्छा किया, अच्छा हुआ, वेरी गुड, वेरी नाइस, दोबारा आए तस्वीरें लेके चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं हेल्प मी दुर्दाना वाला सीन करना चाहोगे या दो टके की औरत वाला सीन करना चाहेंगे आप? दो टके की औरत वाला। क्यों? वो सिचुएशन बहुत जबरदस्त थी। क्या सिचुएशन थी? मतलब डिपेंड करता है कि ड्रामे में सिचुएशन कौन सी है। हाँ यार, मतलब ये खाना भी है, हमारे से तो रहा हूं मेरे यार, हमारे से प्लीज यार, प्लीज यार, यार प्लीज, ये 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 एक ये ये, अच्छा कौन सा सीन करना चाहेंगे आप, कौन सा सीन करना चाहेंगे? अल्लाह, पूरी मिर्चें मुंह में चली गई, तो पूरी जाती है, परेशान क्यों ना इंडस्ट्री में कुछ इस तरह से? मुझे नहीं लगता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, अब नहीं लगता या पहले लगता था? यार इट्स अ जर्नी ना, आप आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते हो ना अपना टैलेंट। मुझे ऐसा लगता है कि जिन डायरेक्टर्स को पहले शायद नहीं था पता कि ये भी टैलेंट हो सकता है, आपने प्रूव किया, तो इसमें गलत बात तो कोई नहीं। आई एम श्योर हुमायूं भाई एक जमाने प्रोडक्शन करते थे, हमें वो वाले कैरेक्टर्स नहीं मिलते थे, हम डिजर्व भी नहीं करते थे, तो कोई गिला भी नहीं है। लेकिन जब आप डिजर्व किया तो दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक ये तो
मिर्ची आएगी तो खाएंगे। क्या बात है यार, क्या बात है, हमारे सहित क्या हुआ है? यार नहीं, मैं हमारे सहित आपको थोड़ा सा आपकी जो मिर्चें हैं उसको कम करने के लिए कुछ चाहिए आपको? ये क्या है? मिर्ची मैं खा रहा हूँ। नहीं, मैं पानी पी रहा हूँ। पानी ठीक है, हाँ पिए ना, और भी है, पिए यार, कोई बात नहीं। सवाल करो सवाल। हमारे सही से सवाल ये कि मेरे पास तुम हो में मेरा किरदार बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, ये आपका स्टेटमेंट था, उसमें क्या डिफरेंट था? मैं इतना शरीफ आदमी नहीं हूँ। बहुत ही सीधा था ना। हाँ इतना सीधा तुम भी नहीं हो। हाँ कोई भी नहीं है यार, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं होता। बहुत सीधा था मैं तो। तो ये अलग था, मैं तो सीधा हूँ। नहीं नहीं, मगर टेढ़े भी हो ना तुम। नहीं मैं नहीं। अरे क्या हो गया तुम? अच्छा चलो ठीक है, सही है, बहुत सीधा था, बहुत मासूम। अगला सवाल। वो डायलॉग बोल दे हमारे लोगों के लिए, दो टके की औरत वाला, इस म्यूजिक के साथ। म्यूजिक बंद किया जाए, इन मिर्चों के साथ। नहीं मुझे नहीं याद, अब भूल गया मैं। म्यूजिक ही बंद कराया यार। अब वो वैसे ही मैंने सोचा, एक लाइन सिर्फ। देखने सुनने में आप बहुत बड़े बिजनेसमैन लगते हैं, मगर यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। उस दो टके की औरत के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे, बहुत बुरी बोली। वाह यार, क्या डालोगे यार, क्या बात है यार। क्यों झूठ बोल रहे हो? बहुत बुरा बोला। बहुत खा लिया? हाँ बहुत बुरा बोला। That's it. हाँ मैं तो खा लिया। I'm done. My lunch is done. एक चीज सुनानी जाने से पहले। वो क्या? मोनोलॉग जो था फिल्म में। कौन सा? अदालत में। वही। दो लाइनें। पब्लिक डिमांड है यार। खड़े होके सुनाना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा मुझे इतने लोग ऑडिशन उसका भेजते हैं ना, मुझे मैं ही बुरा करता हूँ मुझे लगता है। हाँ। बाकी सब अच्छा करते हैं। वो कुछ ऐसा था कि हाँ वो खुदा नहीं है, हाँ वो खुदा नहीं है जिन्होंने बरसों तुम्हारी मिलों में काम किया। और अवार्ड विनिंग जो है वो एक दो चीजें हो जाती है आपकी जिंदगी में। ओके वो नहीं था। गाइस यू आर फाइन। मिर्च नहीं थी? नहीं लगी। हमारी सेहत को हम कुछ और पिलाएं ताकि मिर्च जरा खत्म हो जाए। अच्छा देखो मैंने कितनी मिर्ची खाई है। हां कितनी मिर्ची खाई है? बहुत। मैं इंप्रेस हो गया हूं फाद से। तो अब देखो मैं तुमसे इंप्रेस होना चाहता हूं। हां अब आप मुझसे इंप्रेस की जरूरत नहीं किसी। मैं अपने हाथ से तुम्हें एक मिर्च खिलाऊंगा ऐसन। और तुम्हारा ये सिर्फ गेस्ट्स के लिए होता है। नो 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 नो। देयर इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर अस। व्हाट? नो 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 नथिंग। नो 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 नो। हटो साइड पर, हटो हटो भाई। और कुछ नहीं, मैं अपनी मर्जी करूंगा ना, मेरा शो है। नहीं, इसके तो अपनी मर्जी नहीं, हमारी करूंगा। एक बाइट में मेहमान आए हैं। एक बाइट में ये पूरा आपने। एक बाइट में क्यों? और नहीं भाई यार ऐसा नहीं करो यार। ये देखो ये होएगा। ताली और ये याद रखना के लिए। बहुत तेज। तो कैसे खा गया यार? मुंह से? नहीं तो इसको तो मिर्ची लगती नहीं। क्रेजी। इसे वर्सेटैलिटी कहते हैं। वर्सेटैलिटी। ओफ हां ये वर्सेटैलिटी है ना वाकई। फिर आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक टाइम आउट विद एहसन खान। आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है फहद मुस्तफा एंड हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, इतने प्लेस किए हैं, इतनी फिल्में की हैं, इतने डायलॉग्स बोलेंगे, कोई ऐसी लाइन जो जहन में रह गई हो? एक ये जो अभी मेरे पास तुम था उसमें एक लाइन थी, औरत भी बड़ी अजीब चीज होती है शहबाज साहब, नजर भर के देख ले तो खुदा कर देती है, नजर फेर ले तो खुदा से जुदा कर दे देती है। कर दे देती है। क्या बात है यार, क्या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग में कैद कर जाती हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो महसूस किए जा सकते हैं, कभी मुलायम कभी खुरदरे, कभी ताजा कभी बासी, जैसे कचरे के कूड़े में पड़े हुए फलों और सब्जियों के छिलके। आज हम उन यादों को महसूस करेंगे, गहराई में डूब के फील करेंगे। आज हम आप मेहमानों के साथ यादों में डूब जाएंगे। आपका सेट बराबर में, गलत जगह आ गई। ये गलत सेट पे आ गई। बिल्कुल। रिवाइंड विद नगीना जी। यहाँ क्या कर रही थी? माय शो मैम। तुम तो कहते हैं एहसन खान लगा हुआ तुम्हारे शो के साथ। देखो अब ये हो रहा है। एहसन तुम मुझे से घूर घूर के क्यों देख रहे हो? मेरा अपना शो भी है, ओरिजिनल कंटेंट। लगता है आप लोगों के सवालात खत्म हो गए तो मैं शुरू कर दूं। ये हमारा भी ओरिजिनल कंटेंट है। अब आप जाइए प्लीज, हमें बात कर लीजिए, मेरे मेहमान आए हैं।
मैं आपके मेहमानों से एक सवाल करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे आज के मेहमान लड़के लड़कियों में बहुत मकबूल हैं, लेकिन मेरे पास हैं। अब आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप बोलेंगे तो मैं चली जाऊंगी। एसन, सवाल कोई नहीं कर रही है बस। अच्छा ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं। सोच लें फिर ना कहना दो टके की औरत। What are you talking about? चलिए मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। आप ये बताएं, कभी किसी ने इग्नोर किया है? अभी कर रहे हैं ना। कभी मुंह में भर के पाउडर के साथ किसी को फूफा बोला है? चलो ये बताओ कि कभी जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मारा है? ये करता है। आप तो करके दिखाए फिर चले चले। लेकिन आपके लिए अभी और सवाल है ऐसन। ये सवाल मेरा बहुत, ये कर सकते हो तुम, बहुत पर्सनल सवाल है ऐसन। पर्सनल सवाल है। हाँ। कभी किसी को फेसबुक पे स्टॉक किया है? रोज करता मुझे। मैं हूं ही नहीं फेसबुक पे, इसको पता ही नहीं। तुम्हें भी फहद बहुत पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है फहद। चलिए फिर आपसे और सवाल करते हैं। जी जी, आप मुझसे कर लीजिए, इनसे कर लीजिए, बस जाइए यहाँ से। ये क्या है? कभी गुड़ियों के साथ खेला है? ये समीना फिर ज्यादा है। मैं अब समझाऊं है ना? नगीना जी, रिवाइंड विद नगीना, पॉज विद नगीना जी, ओके, पॉज विद नगीना जी। चलिए आपके मेहमानों से सवाल पूछते हैं। जी जी, पूछिए और फिर जाइए। क्या है? दरख पे चढ़े हो? अल्लाह। इसका जवाब नहीं दे रहा हूं। चले मैं आपसे सवाल। बस दरख पे नहीं चढ़ा। बेड पे चढ़ा हूँ, सोफे पे चढ़ा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलो आपसे चाहिए प्लीज इज्जत थोड़ी सी। नहीं, आपसे सवाल पूछती हूँ। मैं नहीं चढ़ा। चाय की प्याली में बिस्कुट डबोते डबोते खुद डूब गए, इतनी गहराई से, इतने दूर से मायूसी हुई? जी जी, बहुत बहुत हुई। इस वक्त यहाँ आके मायूसी से हो रही। फहद, नफरत हो रही है अपने आप से? बिल्कुल, मैं दिल चारा गोली मार दूँ खुद। चलो आप दोनों से एक और आखिरी सवाल। जी जी जी, बचपन में सर्दी लगती थी मुझे, सेट पे इतनी सर्दी लग रही है, इतनी ठंडी है। बचपना है आपका। मुझे आसमान अक्सर कहते हैं, ऐसा लगता है नगीना पंखड़ियां गिराती हो जब जब तुम बोलती हो। आस्पान? और आसमान कहता है? आसमान वीरजादा। और इसके साथ मेरा शो खत्म होता है। अगले हफ्ते दोबारा मिलूंगी एक नए मेहमान के साथ, नई यादों के साथ, इसी सेट पे। तब तक के लिए पॉज विद नगीना जी। थैंक यू वेरी मच नगीना जी, ये भी ले जाइए, खुदा हाफिज़। थैंक यू, फिर मिलेंगे आप लोगों से। कम टू माय हाउस, आई वुड लव टू होस्ट यू समडे। जी इंशाल्लाह। जी जरूर आएंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पॉज में रहिए, अभी ठहराव फैला हुआ है, मेरी बातों का ठहराव। ठीक है जनाब, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट गेम की जानिब। और गेम क्या गेम थी? पजल। पजल यार लेके आए जी, पजल बनाएंगे यहाँ पे हमारे सेट पे। ब्रिंग इट ऑन जी जनाब, द पजल, द बिग गेम। और एक तरफ फहद मुस्तफा बनाएंगे, पता नहीं किसको बनाएंगे, एक तरफ हुमायूं सईद बनाएंगे, मालूम नहीं किसको बनाएंगे, मुझे तो लग रहा है हुमायूं सईद ही हैं। लेकिन खैर, आप दोनों को पजल बनानी, देखते हैं पहले कौन कंप्लीट करता है ये पजल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो सकता है इस तरफ किसी एक आर्टिस्ट की पिक्चर हो, उस तरफ किसी और की पिक्चर हो। ये ढूंढ लिया आखिरकार हमारी सही भी अपनी तस्वीर को, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये बीच में कुछ मिसिंग है। ओ भाई, ये आधा कुछ और है, आधा कुछ और है। इधर कुछ और है ना उस तरफ? अच्छा तो ये बताओ ना, उस तरफ कुछ और है ना फहद? ओके, ये तो हमें पता ही नहीं था। ओ ओके ओके ओके। ये भी है। ओके, मुंह कहाँ है? कौन? मुंह नहीं मिल रहा। What the hell? ओके। आ।
बात को याद आ गई उसकी कौन सी तस्वीर है। हाँ बहुत ही बुरी तस्वीर है। Almost there. We have 25 seconds left. तस्वीर बनानी यहाँ है ना। 25, 24, 23. भाई रुक जाओ जज्बाती नहीं। 22, 21. या। नहीं ना कंप्लीट कर रही है। अरे ये बीच वाली ये इधर चाहिए। हाँ तो इधर कुछ और रख दे भाई। इसके बीच में क्या रखूं। हाँ ठीक है ये नो ये आहा 10 9 8 7 6 I did it 5 4 yeah baby 3 2 1 वाह फहद वाह क्या बनाया यार। ये क्या कमी ना बने। ये क्या कमी ना बने। नहीं बनाना तो वो था भाई बहुत ही क्या तस्वीर बनाई है यार। बहुत ही एक सेकंड नहीं इतनी देर में क्या कर लिया। टाइप कर दी इनके पीछे क्या बना मैं देखना चाहता हूँ। इनके पीछे यही है और हमारे पीछे एकता कपूर। क्योंकि कोई और है नहीं इनके पीछे। मतलब मेरा मतलब है मेरे पीछे एकता कपूर है। एकता कपूर है ये। इनके पीछे खलील रहमान क्यों नहीं लगाया तुमने। जनाब अब हम खेलेंगे दिल खोल के हमायूं सईद और फहद मुस्तफा के साथ। दिल खोल के सामने पड़ी है मिठाई। मिठाई भी खा सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं लेकिन जाहिर आप लोग डाइट कॉन्शियस है तो आई नो यू विल प्रेफर। नहीं बिल्कुल खाएं लेकिन इस आप भी खाना चाह रहे हैं। मैं तुम खाओगे हमारे इस बॉल में तुम खाओगे। हाँ बिल्कुल खाओ। मैं बिल्कुल खाता हूँ। जो नाम निकलेगा फहद मुस्तफा एंड हुमायूं सईद तो उनका कोई डायलॉग हो सकता है कोई गाना हो सकता है कोई बेसिकली उनकी मिमिक्री सॉर्ट करनी है। व्हाटएवर यू फील इज गुड। मैं तो बहुत बुरा हूं उसमें। किस चीज में। एक्टिंग में करने में। मिमिक करने में। अरे खुद ही कह रहा मैंने क्या बोला। नहीं ये तो मैं खुद बोलता रहता हूँ। हाँ ठीक है क्या तू बुरा है। कहा जाए पहले वो तो मिठाई का इधर इधर से शुरू कर दे। फालो एक ओको ओको फिर तो आशिक आवान ये कर रहा मैं। आप बोले ना कोई डायलॉग बोले। कैसे बोलती हैं लाइन बोले। डायलॉग नहीं बोलते वो चीजें तोड़ती हैं। भाई सेट की कोई चीज टूटेगी। ये देखो हाँ हाँ उन्होंने भी पिछले दिनों तोड़ा था ऐसे देखा ना आपने। मैंने ऐसे उठाया उन्होंने। भाई नाम बदलो भाई मेरी टेबल टूट रही है। मैं सही कह रहा हूँ ऐसे उन्होंने। ठीक है भाई मान लिया हमने और मजीद ना तोड़ा निकाले। सोहेल बड़ाई कमान हुआ है भाई कमान बोलते हो आप। सुबह नाश्ते में अंडा खाते हैं या फिर आमलेट खाते हैं। आप सुबह नाश्ते में अंडा खाते हैं या आमलेट खाते हैं। नहीं अच्छा अच्छा वेरी नाइस इसीलिए अवार्ड नहीं दिया इनको। देखो मेरी चेड़ है। नो नहीं पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मिला आपको। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा आईपा साईपा पा वाह हर तरह का पा चियाने पा। ओह गॉड ओके चौधरी शुजात Very nice. ये ऐसा मौका कब आएगा कि आप ये खाएं। आप बताएं। ये देखें ऐसे मना कर देंगे। ये देखें ऐसे ये यार आप मना कर देंगे तो ये हाँ लेकिन तो आपको दो खाने पड़ेंगे। अच्छा लड्डू रंग छोड़ रहे हैं आप देखें साइड से ये लोग वो उनके साथ जुड़े हैं। ओके 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 हाँ जी क्या नाम निकला। शबनम। ये तो आप अच्छा करते हैं। How do you know?
सांसें ले लेगी यार, ये बहुत सीनियर एक्टर्स हैं इनके बारे में, प्यार मोहब्बत किसी और का मैं उठा लेता हूं एक पर्ची और। कितनी सीनियर होंगी आपसे, 10 साल खिला देना, आपसे 10 साल ज्यादा सीनियर होंगी। गुलाब जामुन मैं ये वाला बहुत, वाह वाह, अब हम इधर आएंगे। मैं तो वैसे ही खा रहा हूँ, नदीम बेग की मैं नहीं कर रहा, इनसे कराओ नदीम बेग की। नदीम बेग साहब इतने बड़े एक्टर, ये वाले अपने वाला, वो उससे बड़े डायरेक्टर। हाँ हाँ, मैं तो ये तो बहुत बुरी बात है यार, हम जो आप सब आप लोग हमसे बदतमीजियां करवा रहे हैं यहाँ पे, बुरी बात है यार ये। और ये आपका प्यारी लाइन बोल यार, और आपका ड्रामा भी नहीं करता। हाँ ड्रामे भी नहीं करते हमारे, सोचो हम गुल्ला खा लेंगे एक और आप छोड़े तुम करो। मैं तो उनसे मिले हुए मुझे 2 साल हो गए, मुझे क्या पता। अच्छा, आप तो हर वक्त साथ होते हैं यार। नहीं मैं नहीं होता, तो मैं शबनम के साथ रहता हूँ जो मैं मुश्किल है। मैं तो कभी सुहेल बड़ाइत से भी नहीं मिला भाई। अच्छा भाई अगला, ठीक है यार कोई तो लिख ले नाम। दो पर्चियां निकालनी, हम नहीं एक ही निकाली। हमजा अली अब्बासी, ये तो कर सकते हैं आप, ये तो तुम भी कर सकते हो। मैं क्यों करूं, मेरा क्या ताल्लुक। हाँ। नहीं देखते हो मायू भाई ये आप कब मिल रहे हैं यार, प्लीज बड़े याद आ रहे हैं मिलने इस तरह बोलो। नाइस शेख रशीद, देखें ये जो अपनी रेलवे है ये मैंने ठीक की है इस तरह का ही है उनका। नाइस, और खाना आपने, ये ले, ये वैसे अवार्ड विनिंग था है ना यार क्यों मुझसे करो। एक और नहीं दो और, इब्रारुल हक करें गाने की लाइन। और ये कौन सा गाना था वो, मीगा मीगा सा जीटी रोड बिल्लो, ये दिसंबर आजा है, आजा आजा, नहीं मैं तो अपनी आवाज, ये वाला है ना भी, आजा तो बैठ जा साइकिल पे, आजा नहीं बैठ जा साइकिल पे, आजा बस आजा नहीं बैठ जा साइकिल पे। ये तो आप पे पिक्चराइज हुआ है, मेरे पे कहां पिक्चराइज हुआ, क्यों उसमें नहीं था कौन पैसा दो क्या कितना पैसा कितना प्रॉब्लम नहीं था उसके अंदर, ये गाना नहीं था फात, ये ले। अच्छा पता नहीं तुम्हें याद होगा, मैं इतना पुराना नहीं। इमरान खान, देखिए तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली आ गई है। द एंड, बेटे हम ऐसे ही एक्टर हैं, हम ऐसे ही हैं। कैसे ऐसे, नकली उतार उतार के एक्टर नहीं बने हम। तुमने हमें मिमिक समझ लिया कि हम एक्टर हैं भाई। अच्छा। नहीं मीरा ये तो आपकी जुबान ही याद है, ये तो आपको जबान ही याद। मायू मैं समीना से बात करूं मैं उनसे इजाजत ले लूं कि मैं आपसे शादी करना चाहूं तो मैंने कहा नहीं समीना ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका मतलब है बड़ी सेल्फिश हुई और ये असल वाक्य नहीं नहीं ऐसे मजाक। अच्छा आखिरी और रह गया, सुल्तान राही साहब, सुल्तान राही साहब का क्या था, ये तुझे आता हो, ये तुझे आता यार, ये तो आज ये तो तुझे यार, आजा आजा ये तो यार भी और भी रहता है बड़े हीरो की, इसको हो गया आओ, आप करेंगे आप चेक करें सुल्तान राही क्रिस्टन डियोर के सूट में सुल्तान कैसे लगेंगे। सुल्तान राही साहब की बिल्कुल हम नकल उतारेंगे, उतार लास्ट उसके बाद उतारेंगे लास्ट। एक और एक मिनट, मेरा तो हो गया, मैंने तो एक रह गया लास्ट, लास्ट तो मेरी थी इसकी तो आई नहीं, ये वाला या ये वाला सारे तो आपके मैंने किए आपने किए क्या, कौन सा ये वाला एक रह गया ठीक है बात एक मिनट। जॉन रैम्बो के किसी गाने पे परफॉर्मेंस मुंडा बिगड़ी जाए, लगाएं जरा गाना बस।
यार हमारे से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू मैन. थैंक यू. इट्स सो गुड टू हैव यू ऑन द शो. थैंक यू. थैंक यू एंड फादर मुस्तफा. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. पहला शो हमारा जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ. फीडबैक जरूर दीजिएगा और जनाब आपके फीडबैक से हम लोग ये बताएंगे किसको चूज करेंगे. कौन जा रहा है मेरे साथ टर्की? मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ टर्की. मेरा और फहद के साथ. आप भी चले ना, ले जाना ना. आप चलो, आप भी चलेंगे हमारे साथ. कौन जा रहा है टर्की? हम दोनों. सो गाइस सी यू नेक्स्ट वीक विद टाइम आउट विद एहसन खान. कीप वॉचिंग. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. ये करिए ये. Yeah.